नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल डिलाइट में। दोस्तों उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप सभी लोग जहाँ भी हैं स्वस्थ हैं, खुशहाल हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे NSTI भोपाल के अंतर्गत जो वैकेंसी निकली है इंदौर की, उसके अंतर्गत जो वैकेंसी निकली है गेस्ट फैकल्टी की, उसके बारे में। आप यहाँ देख सकते हैं नोटिस में क्लियरली मेंशन किया गया है, यहाँ पे राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान इंस्टीट्यूट, ये कहाँ का है, सुखलिया रोड नंदा नगर इंदौर, यहाँ का ये नोटिफिकेशन है, ठीक है। जिसके लिए क्या है कि अतिथि व्याख्याता की नियुक्ति हेतु, यानी गेस्ट फैकल्टी की जो वैकेंसी है उससे रिलेटेड, इसमें पद का नाम है अतिथि व्याख्याता। आप देख सकते हैं ब्रांच कौन कौन सी है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का एक पद है एंड इलेक्ट्रीशियन का एक पद आपको यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद अगर बात करें हम यहाँ पे, तो जो इसमें न्यूनतम योग्यता रखी गई है, आप सभी को पता है कि इंस्ट्रक्टर बनने के लिए जो न्यूनतम योग्यता होती है वो ही यहाँ पे रखी गई है। जैसे अगर आप बीटेक कैंडिडेट हैं तो आपके पास एक वर्ष का अनुभव, डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैं तो आपके पास दो वर्ष का अनुभव, एंड अगर आप ITI कैंडिडेट हैं आपके पास तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए। उसके बाद अभ्यर्थियों के पास की पॉइंट है, आप यहाँ देखिएगा, जिन्होंने भी CTI किया हुआ है यानी CITS किया हुआ है वो सर्टिफिकेट आपके पास होना अनिवार्य है। यहाँ पे आपके पास CITS है तभी इसमें आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि जो नियुक्ति की अवधि होगी वो मुख्यालय के निर्देशानुसार होगी। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि है 25/8/2023 और लिखित व कौशल परीक्षा जो होगी वो 30/8/2023 को वहीं पे आयोजित करवाई जाएगी इंदौर में, ठीक है। उसके बाद इसमें करना क्या होगा आपको, इसमें अभ्यर्थी को अपना बायोडाटा, स्वयं सत्यापित दस्तावेज और पासपोर्ट आकार की तस्वीरें इस ईमेल आईडी पर आपको भेज देनी है, ठीक है। ईमेल पर या डाक या स्वयं द्वारा 25 अगस्त 2023 या उससे पहले जमा करनी होगी। बिना कोई कारण बताए अधिसूचना को आंशिक रूप से पूरी तरह से वापस लेने का अधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित है। अधिक जानकारी के लिए आप इस पर मेल कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं आज जो इसमें गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करना चाहते हैं तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको गेस्ट फैकल्टी में NSTI में पढ़ाने का मौका मिल जाएगा और इसका आपको एक्सपीरियंस, वैसे भी जितने कैंडिडेट्स हैं अगर कोई किसी के पास एक्सपीरियंस हो तो इसमें आपकी सैलरी भी ठीक रहने वाली है। तो यही एक इंपॉर्टेंट अपडेट देनी थी आपको। अगर आपको जानकारी आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अगर आपको एक क्वेरी होता है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ की आपको सारी अपडेट दी जाती है। वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद।